भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागों की समस्त योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जहां अब बैठक में 3 जनवरी से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई और तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अधिकारियों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुई, इसमें विभिन्न विभागों के अंदर स्पेशली कोरोना कोविड के अंदर अपने जो प्रगति हुई उस पर बात करनी थी। कोविड टीकाकरण की हमारी जो प्रोग्रेस है उस पर चर्चा हुई। कोविड के अंदर फर्स्ट डोज हम करीब 80% जो ऊपर गए हैं, सेकंड डोज में हम पिछड़े करीब 63% के आसपास हैं। उनको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हमारी कैंपेनें रहनी चाहिए, उस पर चर्चा हुई। साथ ही जहाँ सैम्पलिंग हमारे कम हो रहे हैं, ऊपर स्टेट के आदेश हैं कि हम 10 लाख पे हम 500 के सैम्पल इकट्ठा करें, यानी हम 1500 से लेकर 2000 सैंपल पर डे इकट्ठा करें, जो हमारे करीब 1000 के आसपास हो रहे हैं, उसको बढ़ाने की चर्चा हुई। और हमें निर्देशित किया है कि वहाँ जिला कलेक्टर साहब के समीक्षा करते हुए कि सभी लोग बढ़ाएंगे और जो गाड़ियां काम कर रही हैं हमारे पास सैंपलिंग कलेक्शन करने के, वो सैंपल लेके आएंगी। तो निश्चित रूप से हम सैंपल ज्यादा होंगे तो आरटीपीसीआर जांच भी ज्यादा होगी, वस्तु स्थिति पता लगेगी। हमारे यहाँ आरटीपीसीआर जांच के बाद में कोविड पॉजिटिव कितने केसेस आ रहे हैं, जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया कि 5 केस पॉजिटिव भरतपुर में आए हैं, भरतपुर जिले के अंदर। तो निश्चित रूप से जांच से ज्यादा होंगी तो पॉजिटिव